बेला में नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर विस्फोट मामले में फैक्ट्री मालिक विकास मोदी सहित 7 के विरुद्ध पुलिस ने बेला थाने में प्राथमिकी दर्ज करा ली है। ये प्राथमिकी बियाड़ा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने दर्ज कराई है। प्राथमिकी में फैक्ट्री के निदेशक और विकास मोदी की पत्नी श्वेता मोदी, मैनेजर उदय शंकर, सुपरवाइजर, बॉयलर ऑपरेटर और टेक्नीशियन और अन्य आदि जिम्मेदार को नामजद आरोपी बनाया गया है। सभी पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही बरतने, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट और अन्य धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। एसएसपी जयंतकांत ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। इसमें ये देखा जाएगा कि बॉयलर की ओवरहॉलिंग समय पर की गई थी या नहीं, उस समय उसके इंजीनियर वहाँ थे या नहीं। बॉयलर के रखरखाव की रिपोर्ट की भी जाँच की जाएगी। फैक्ट्री संचालन से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्तियों को जांच के दायरे में रखा गया है। जिनकी भी संलिप्तता और लापरवाही सामने आएगी उन्हें आरोपी बनाया जाएगा। नगर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। वे लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में घायलों को देखने के लिए श्रम मंत्री जिवेश मिश्रा सोमवार को एसकेएमसीएच पहुंचे। यहां इलाजरत 7 घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। उपाध्यक्ष डॉक्टर बीएस झा से इलाज के बारे में जानकारी ली। अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों से कहा कि इनको बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा मिले, जिससे ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। घायलों ने कहा कि उनका कोई आधार नहीं है, हमारे जो सहयोगी मर गए हैं उनकी चिंता भी आप करिए। मंत्री ने भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहायता राशि का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त जितने मजदूर का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत निबंधन होगा उनको अतिरिक्त सहायता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि इस साल मई में बॉयलर का निरीक्षण हुआ था, वैसे किस स्तर पर लापरवाही हुई इसकी जांच होने के बाद ही पता चलेगा। एक साथ 7 मजदूरों का मरना दुखद है। उन्होंने कहा कि ये काफी दुखद रहा कि एक साथ इतने मजदूरों की मौत हो गई। मंत्री जिवेश मिश्रा ने अपने अधिकारियों से कहा कि वो बेला औद्योगिक इलाके में तमाम फैक्ट्रियों की सूची बनाकर वहां पर काम करने वाले मजदूरों के नाम और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सुविधा मिल रही है या नहीं इसकी जांच करें। हर महीने इसकी निगरानी होगी, वो खुद इसकी पड़ताल करेंगे। कितने बेला में जो बॉयलर में ब्लास्ट हुआ था उस मामले में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है और इस मामले में जो वहाँ पर जो भी लोग थे उसका मालिक, उनके जो शेयर धारक थे, उसके अलावा जो लोग अन्य जिम्मेदार लोग थे, अगर वहाँ पर जो है मैनेजर, वहाँ के सुपरवाइज़र और इसके अलावा जो वहाँ पर अगर ऑपरेटिंग बॉयलर ऑपरेटिंग के जो भी सुपरवाइज़र थे उन सभी के ऊपर FIR की गई है। इसमें बाकी अन्य मामलों में जो कि वो देखा जाएगा कि इसमें जो रेगुलेशन का जो है जो रूल्स का वायलेशन हुआ था उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा। टोटल जो लोग हैं उसमें 5 और अन्य लोग हैं, टोटल सभी पे FIR। सर, मुख्य आरोपी किसको बनाया गया इस घटना में? जो घटना उस फैक्ट्री के मालिक थे जो ऑपरेट कर रहे थे उन लोगों को जो है बनाया गया है, उनको FIR के अभियुक्त है और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन में जो मामला में जिनका नाम आएगा या जिनके ऊपर लापरवाही के बात आएगी नज़र उनको जो है आगे गिरफ्तारी के लिए कुछ टीम भी बनी है सर। ये मामला इन्वेस्टिगेशन के में है और इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो है इसमें होगा। इसमें जो FIR है उसमें SIT का गठन अभी हम लोग करेंगे और उसके बाद में जो है सारे पॉइंट्स को चेक करेंगे। इस मामले में हम लोग जो फैक्ट्री में के बाकी अन्य जो प्रशासन के लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग संपर्क में हैं। पूरी एक रिपोर्ट के बाद में आपको नोटिस का मामला जी इसमें गैर 304 IPC 337 285 IPC 287 IPC के मुख्य जो धाराएं हैं उसके ऊपर FIR हुई है। इसके अलावा जो है 1923 का बॉयलर रेगुलेशन एक्ट है उसकी भी धाराओं का वायलेशन को देखा जाएगा।
प्राइमा फेसी से ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट है, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों का या फैक्ट्री चलाने वाले लोगों का कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट प्रथम दृष्टया नज़र आती है। हमारे सभी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, कल से ही कैंप किए हुए हैं, विभाग के सीनियर अधिकारी भी कल दिन भर यहाँ थे, और अभी जितने सीनियर अधिकारी हैं जो फैक्ट्री और इस विभाग से संबंधित हैं वो सभी मुजफ्फरपुर के अंदर हैं। आज बॉयलर चीफ भी यहाँ हैं, कल से ही यहाँ वो हैं, वो उसकी जांच करेंगे। जांच के बाद ही कोई एग्जैक्ट स्थिति क्या है, किस कारण से घटना घटी है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कल से जो सारी विषय जो सामने आया है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ कोई ना कोई ऑपरेशनल फॉल्ट हुई है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना, इतनी दर्दनाक घटना घटी है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, नंबर्स ऑफ लेबर्स भी वहाँ ज़्यादा थे, जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे जितना परमिशन था उससे ज़्यादा मजदूर वहाँ। देखिए, ये सब जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होगी कि कितना उसका स्ट्रेंथ है, कितने मजदूर अंदर काम कर रहे थे, कितने लोग ईएसआई से आच्छादित थे, ये सारा विषय जांच का विषय है। हमने अपने सभी संबंधित अधिकारियों को लगाया है, आज दिन भर उसमें ये जांच पड़ताल में रहेंगे, जांच करेंगे। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इन विषयों को भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कितना स्ट्रेंथ था, कितने लोग काम कर रहे थे। तो जांच का परमिशन दे दिया गया है, जांच के आदेश दिए गए हैं, अधिकारी जांच करेंगे, उसके बाद किसकी लापरवाही है, क्या है, सब सामने आएगा। आप सभी को मालूम है कि इसमें FIR हो चुका है, 7 लोगों के ऊपर FIR किया जा चुका है। अन्य किसी की लापरवाही और सुनिश्चित होती है जांच के दरमियान तो हम उसको भी बकसने वाले नहीं। 6 महीने पूर्व ही सर आपके विभाग के द्वारा जो है MC निर्गत किया गया था उस बॉलर को, तो कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही। देखिए, कोई लापरवाही नहीं होती है। 28 मई को उसका बॉयलर का सर्टिफिकेशन किया गया है, और जो मेरे अधिकारी हैं बहुत सक्षम अधिकारी हैं, और बॉयलर को का सर्टिफिकेशन उन्होंने किया है। बॉयलर बिल्कुल नया लगा हुआ है वहाँ। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि 19 में तो फैक्ट्री चालू हुई है, 19-20 में, और 21 मई में उस बॉयलर का सर्टिफिकेशन हुआ है। तो ये कुल देखने से ऐसा लग रहा है कि कल रविवार का दिन था, ये कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट है, एक्सपर्ट के द्वारा उसको हैंडल नहीं किया जा रहा था, ये प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। लेकिन जो मैंने इसका परफेक्ट क्या कारण है वो बिना जांच का कुछ भी कहना बड़ा, मैंने हम समझते हैं कि बहुत उचित नहीं होगा।